एडिटर हो या फिर कंटेंट क्रिएटर भी हो तो भाई इस वीडियो को पूरा देख लेना यार। मैं तुम्हें बिल्कुल खतरनाक ऐसी चीज़ बताऊंगा ना यार, बिल्कुल सिंपल थी। ठीक है, तो भाई तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें अपना पिक्सल लैब खोलना है। पिक्सल लैब खोलने के बाद इसमें भाई कुछ भी अपना टेक्स्ट लिख लेना है, उसको सेव कर लेना है अल्ट्रा पीएनजी में। ठीक है, सेव करने के बाद अब मेन भाई बात आती है यहाँ पे, काइन मास्टर। काइन मास्टर आपको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद भाई आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। 16:9 का रेशो आपका प्रोजेक्ट लेना है। लेने के बाद भाई प्रोजेक्ट अपना यहाँ पे आपको जाना है इमेज एसेट्स में। तो भाई यहाँ पे आपको ब्लैक वाला ये इमेज वाला ले लेना है, जो भी ये दिख रहा है आपको सॉलिड कलर, ये आपको ले लेना है। और इसके ऊपर भाई लेयर पे जाके मीडिया पे क्लिक करना है, और भाई जो भी आपने टेक्स्ट वगैरह आपने बनाया था पिक्सल लैब में उसको लेकर आना है भाई यहाँ पे, इसके ऊपर मर्ज कर देना है। और भाई देखो ऐसे अपने जहाँ भी तुम चाहो या उसको एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, है जैसा भी तुम्हें चाहिए। ठीक है, मैं ऊपर वाला टेक्स्ट में नहीं चाहिए तो इसलिए मैं नहीं लेता हूँ भाई। ठीक है, तो ये भाई देखो हमारा जो सिंबल है हमारा ये आ चुका है हमारे चैनल का। तो भाई इसमें करना क्या है आपको, सिंपल सा आपको मीडिया पर क्लिक करना है भाई। इसमें काइन मास्टर में वीडियोज़ वगैरह मिलती हैं, तो वो आपको डाउनलोड कर लेनी है भाई। डाउनलोड करने के बाद उसको भाई इसके ऊपर लेकर आनी है। लेकर आने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन। ठीक है, मैं भाई देखो थोड़ा सा ढूंढ लेता हूँ। तो ये देखो भाई ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन है, ये इसमें जाके आपको यहाँ पे कर देना है इसको डार्कन पे। भाई जैसे ही आप इसको डार्कन पे करोगे भाई आपका यार जो कसम से मैं बता रहा हूँ ना, टेक्स्ट ऐसा भाई एनिमेट हो जाएगा आपका यार, बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल का। बिल्कुल यार देख तो देखो यार। ठीक है, तुम भाई इसको एक्सपोर्ट करके भाई तुम देखना कितना भाई ये गजब भाई कितना औसम लगता है।